हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने एक कुर्ती का डिज़ाइन बनाया है और ये रियॉन कपड़ा है और रियॉन कपड़े पर बहुत स्मूथ हो जाती है पेंटिंग। और ये स्लीव्स है इसकी साइड में और एक स्लीव्स ऊपर है यहाँ पर, तो मतलब आप लेंथ जितनी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं बॉटम। और ये बॉटम एरिया से डिज़ाइन बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैं जो कलर ले रही हूँ कॉफ़ी कलर है और गोल्डन पर्ल कलर है। ओके, तो पहले मैं कॉफ़ी कलर अप्लाई करेंगे और ये जो स्टार्ट किया है बॉटम एरिया से स्टार्ट किया है मैंने, वही पहले कॉफ़ी कलर, फिर उसके ऊपर दूसरा शेड, ये वाला आ जाएगा गोल्डन कलर। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्टैम्प बनाते हैं, जितने भी हमें स्टैम्प बनाने हैं वो सारे स्टैम्प बना लेंगे। उसके बाद ना बीच में फ्लावर लीफ जो भी हम बनानी है ऐड करनी है वो करते जाएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर स्टैम्प बना लिया है कुछ, और अब भी मैं ये वाला गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी इसके ऊपर से ताकि थोड़ा सा शाइन करे और अच्छा लगता जाए। तो यहाँ पर बहुत हल्का हल्का सा, मैं बिल्कुल इसे मिक्स नहीं करना हमें कॉफ़ी कलर में, और अगर थोड़ा सा ड्राई करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम बिल्कुल मिक्स कर देंगे तो वो ग्लिटर ही शाइन जो चली जाएगी, वो कॉफ़ी कलर जो दिख रहा है ना ऊपर से ग्रीन, वो गोल्डन पन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लीफ बनाऊंगी इसकी, और इसके लीफ मैंने वाइट किया है, बहुत थिन लेयर लगाई है वाइट कलर की। यहाँ पर बस इतनी ही लगानी है हमें, वन कोड ही लगाना है, और की वाइट कलर की थिन लेयर लगाकर अभी अच्छी तरह से लगानी, मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। इतनी थिन भी हो और कपड़े में एब्जॉर्ब जाएगी तो जल्दी से कलर वो जाएगा नहीं कपड़े से, ये भी एक ट्रिक होती है। और यहाँ पर मैंने थिन लेयर लगाई है इसकी, तो अभी हल्का सा ड्राई हो गई वो, हल्की सी बहुत। अभी मैंने ब्लू कलर लिया है और उसकी आउटलाइन करके अंदर की तरफ हल्का ही शेड दूंगी इसमें, जो कि आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा है, बट हाँ आउटलाइन ज़रूर करनी है। और यहाँ पर शेड करने के बाद अगर लगता है कि आउटलाइन ख़राब हो गई है, थोड़ी लाइट हो गई है, तो हम जब पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद दोबारा से एक आउटलाइन ज़रूर कर देंगे, तो उससे भी फाइनल टच हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारी लीफ बना ली है नीचे, और अभी मैं आपको फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ। तो एक फ्लावर मैंने बनाया है, सेम यही फ्लावर मुझे नीचे बनाना है। यहाँ पर मैंने पहले वाइट कलर करूँगी, तो दो से तीन लीफ में वही है सेम, मतलब बहुत थिन लेयर लगानी है हमें वाइट कलर की, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है क्लोथ। और ये कपड़ा जो है वो रियॉन कपड़ा है, मतलब सूट रियॉन का है, तो रियॉन पर भी पेंटिंग हो जाती है इसमें, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ मैंने हाँ मैरून कलर लेना है और बॉटम एरिया में मुझे मैरून कलर लगाना है, और बॉटम एरिया मैरून कलर लगाने के बाद उस हल्का इस तरह से ऊपर की तरफ शेड करना है बस, और बहुत हल्का सा शेड करना है, बहुत ज़्यादा थिन लेयर नहीं करनी है वरना वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इतना करना है कि हमें शेड वाइट में मिक्स हो जाए, और वाइट तो हमें ऐसा लगाना है कि कपड़े में मिक्स हो जाए बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर हाँ इतना तो हो गया है, अगर लगता है कालापन आ रहा है कुछ है तो फिर थोड़ा सा ना वाइट कलर और लगाना पड़ता है बाद में, अगर कालापन लगता है तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि वाइट कलर से ना थोड़ा सा और कर दूँ ताकि हल्का सा जो कालापन आ रहा है ना वो ढक जाए। और फिर येलो, ये जो कलर है येलो वो है लेमन येलो, और मैरून कलर चाहे आप घर बना लें ब्लैक और रेड को मिक्स करके, या फिर बना बनाया मार्केट से ले ले, तो मैंने तो फिलहाल मार्केट वाला ही लिया है, मैंने बनाया नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे फ्लावर मुझे बनाने थे, और बनाना तब चाहिए तो क्वांटिटी कम हो कलर के लगाने के लिए, कि हमें कम कलर यूज़ करना है तो हम बना सकते हैं, बट अगर ज़्यादा कलर यूज़ करना है तो वो कलर ना फिर सेम नहीं हो पाता, अगर आप बनाना भी चाहें ना तो एक बार बन जाएगा दोबारा उसके जैसा सेम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रेफर करती हूँ कि मैं रेडीमेड ही लाऊं, बट थोड़ा बहुत बना लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ मैंने हाफ़ तो बना लिया, मैं जो कैमरा टर्न करना पड़ेगा, हाँ अभी ठीक लग रहा है, मतलब दिख रहा है ना पूरा डिज़ाइन, नीचे लीफ भी दिख रही है कि मैंने
लीफ सारी बनाई है, कुछ ग्रीन है, कुछ पर्पल है, कुछ ब्लू है, मतलब 3 कलर की लीफ है। और पूरा डिज़ाइन मैं आपको एंड में ज़रूर दिखाऊंगी सूट का, और अलग से भी बनाकर दिखाऊंगी कि अलग से भी ये सूट कैसा बना है, पूरा स्लीव्स वगैरह इसकी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पर मैंने वाइट कलर की वही थिन सी लेयर लगाई है। वाइट लेयर मैंने बहुत ज़्यादा थिन कर दी है, तो मुझे लगा शायद एक कोड और होना चाहिए, बट मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं कर देती हूँ, वरना तो इवन एक कोड काफ़ी होता है लाइट कलर के लिए। बट ये सूट का कलर थोड़ा सा मतलब डार्क भी है कह सकते हैं हम, इतना लाइट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना बॉटम एरिया में नहीं लगाकर ऊपर लगाया है मरून कलर, अभी मैं बॉटम एरिया में लगाने वाली हूँ इस तरह से, और बाद में भी इसकी आउटलाइन ज़रूर करनी है, मतलब मस्ट है आउटलाइन करना, तो बाद में उसी से फिनिशिंग आती है और सारा क्रेडिट आउटलाइन को ही जाता है। तो अभी बस मैंने इतना किया है कि स्प्रेड करना है इसको हल्का हल्का सा। ये डिज़ाइन ना थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें सिर्फ लीफ है और फ्लावर हैं, और मतलब छोटे छोटे से फ्लावर की बर्ड्स हैं, और कुछ ग्रास वगैरह नहीं बनाई है मैंने। ओके, तो यहाँ पर तो बस यहाँ पर मुझे फ्लावर पिला पूरा करना है, और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए पूरा सूट का डिज़ाइन, और मैं शॉर्ट भी बनाकर डालूँगी एक एक सूट की, और सारे मिक्सअप करके भी सूट की बनाकर डालूँगी वीडियोस। तो बस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।